हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोज कॉइन के हवाले से। क्या हमें डोज कॉइन में कोई बुल रन देखने को मिल रही है, और देखने को मिल रही है तो क्यों देखने को मिल रही है? क्या रीज़न निकल के आती है कि डोज कॉइन की प्राइस अब $1 को टच करेगी या $1 को भी क्रॉस करेगी? तो वो सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएँ ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इस वीडियो में मैं 100 लाइक का एम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस एम को एक्सेप्ट करने में मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। ओके, और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं कोई किसी भी किस्म का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो न्यूज़ वगैरह निकल के आती है वो सारी न्यूज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि उस न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है मार्केट में। तो मैं किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपको अपने हिसाब से होता है, अगर लॉस होता है तो वो भी आपको अपने हिसाब से होता है। आप क्या किया करें, जब भी कोई कॉइन लिया करें तो अपनी रिसर्च करके फिर लिया करें। इसका मतलब नहीं है कि मैंने एक वीडियो बना के डाल दी और आपने वो कॉइन परचेस कर लिया। मैं तो सारी वो जो न्यूज़ वगैरह निकल के थी मैं तो सिर्फ वही शेयर करता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन शिबाइन हमें माइनस में देखने सॉरी डोज हमें माइनस में देखने को मिला 0.246561 इसकी प्राइस चली है 0.5%, और BTC के पेयर के हिसाब से हमें तकरीबन 1.2% इसमें गेन देखने को मिल रही है। ओके, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि BTC के पेयर के हिसाब से हमें गेन देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें, ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन -66.2% हमें डाउन देखने को मिला, जो तकरीबन May 8, 2021 को हमें देखने को मिला था 5 मंथ पहले। और इसकी मार्केट कैप के हिसाब से हमें तकरीबन 10 नंबर पे रैंकिंग देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पिछले हफ्ते इसने बहुत ही अच्छा गेन दिया 20.6%, और 14 दिनों में तकरीबन 9.4% देखने को मिला, और पिछले 24 घंटों में 0.5% माइनस देखने को मिला है। और एक घंटे की बात की जाए तो हमें 1.2% गेन देखने को मिला, और एक ईयर की एनुअली बात की जाए तो 9,446.9% हमें गेन देखने को मिला। ये तो था डोज कॉइन का हवाला। अब डोज कॉइन के साथ जो न्यूज़ निकल के थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केट का हाल अहवाल भी आप लोगों को देता चलूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी कुछ अच्छी चल रही है, कुछ बुरी चल रही है, क्योंकि अब कुछ कॉइन्स में हमें गेन देखने को मिला है 24 घंटों में। इतना ज़्यादा गेन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी गेन देखने को मिला है, हमें ग्रीन देखने को मिला है। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर का जो मंथ होता है, जैसे शुरू हुआ है, क्रिप्टो के लिए बहुत ही एक अच्छा सा मंथ चल रहा है। 24 घंटों में तकरीबन 0.1% गेन किया है बिटकॉइन ने, 0.4% गेन किया है इथेरियम ने, और कार्डानो 2.2% गेन किया है, और टेथर USDT हमें 0.2% देखने को मिल रहा है, और BNB कॉइन हमें माइनस में 1.3% देखने को मिल रहा है, और XRP हमें तकरीबन 0.4% माइनस में देखने को मिल रहा है। अगर हम सोलाना की बात करें वो तकरीबन 0.3%, और पोलकाडॉट की बात करें वो भी हमें 5.8% बात देखने को मिला है। अगर हम शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू भी हमें कुछ डाउन देखने को मिला है पिछले 24 घंटों में, तकरीबन 29.9% हमें डाउन देखने को मिला है शिबा इनू। लेकिन शिबा इनू ने हमें बहुत ही एक अच्छा गेन दिया है इस हफ्ते, तकरीबन 2-300 का हमें परसेंटेज का गेन दिया है शिबा इनू ने। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आप जानते हैं कि डोज कॉइन, जी हाँ, डोज कॉइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ, इस मंथ में हमारा क्रिप्टो का एक बहुत ही बड़ा एक्सपो होने वाला है। उस दुबई एक्सपो में हमें क्या होगा, बहुत ही अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। बहुत सी परी पर्सनैलिटीज आएंगी, अपने कॉइन को एक्सप्लेन करेंगी, उसके हवाले में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो उस हवाले से एक तो यही सिग्नल निकल के आता है भाई, इसकी प्राइस को हाई जाना है, क्योंकि डोज कॉइन ने अभी 5 मंथ के बाद हमें इतना खासा गेन नहीं दिखाया जितना अपने ऑल टाइम तक नहीं गया। लेकिन आप जानते हैं कि अक्टूबर के मंथ में हर कोई कॉइन हमें बहुत ही बड़ा गेन देखने को दे रहा है, और डोज कॉइन को आप जानते हैं कि पीछे से इलन मस्क की बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो अब देखते हैं कि इलन मस्क अगर इसके हवाले से कोई भी ट्वीट करता है तो हमें एब्सोल्युटली बड़ा गेन देखने को मिल सकता है डोज कॉइन पे। लेकिन अगर डोज कॉइन को आप जानते हैं कि एज ए पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आती है, AMC इंटरटेनमेंट्स होल्डिंग नाउ एक्सेप्ट डोज कॉइन फॉर बाइंग गिफ्ट कार्ड्स। अगर आप AMC इंटरटेनमेंट में अगर कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो वो आप डोज कॉइन के हिसाब से आप उसको बाय कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इससे अब एज ए पेमेंट तो यूज़ किया जा रहा है। और अगर अब इसके हवाले से यह भी कहा जाता है कि अगर इसमें हमें काफ़ी टाइम से इतना बड़ा गेन नहीं देखने को मिला, अगर इसको इसमें हमें उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही एक अच्छा मंथ देखने को मिला है, तो इस वक्त हम यही उम्मीदें लगा सकते हैं कि इस कॉइन में हमें बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली इलॉन मस्क जो फ्लोकिनो की ट्वीट करता है, जो तस्वीर शेयर करता है, जिससे शिबा इनू ने भी बहुत उम्मीद दी, जिससे हमें शिबा इनू में भी बहुत बड़ी गेन देखने को मिली, अगर वो इसी किस्म का कोई डॉज शेयर करता है, अगर वो इसके हवाले से कोई भी एक न्यूज़ शेयर करता है, अगर इसके हवाले से फ्यूचर में हमें कोई एक
अपडेट देखने को मिल सकती है, तो इसमें हमें बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि आप ये चांस मिस कर दें डोज कॉइन के हवाले से, अगर आपने नहीं लिया हुआ तो थोड़ा बहुत लेके रखें। अगर आप लोगों के पास पहले पड़े हुए हैं तो आप इसको क्या करें, थोड़ा बहुत इस कॉइन को होल्ड करें, क्योंकि कहते हैं होल्डिंग इज़ रिवार्डिंग। अगर आप होल्ड करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो एब्सोल्युटली आपको बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिलेगा हमारे डोज कॉइन में। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन को दबाओ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड स्पेशली कोई भी वीडियो हो तो आप लोग मिस ना कर सको। पीस।